इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। छापीहिड़ा में बंदूक सफाई के दौरान हुई फायरिंग से व्यक्ति की हुई मौत। राजगढ़ जिले के अंतर्गत छापीहिड़ा के निवासी फकीर मोहम्मद मंसूरी पिता करीम मोहम्मद मंसूरी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खुद की लाइसेंस 12 बोर बंदूक की सफाई करते वक्त अचानक फायरिंग होने से फकीर मोहम्मद मंसूरी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको प्राथमिक अस्पताल छापीहिड़ा में लाया गया, जहां पर डॉक्टर श्री मोहित गुप्ता के द्वारा प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर इंदौर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान मरीज की रास्ते में मौत हो गई। इधर छापीहिड़ा थाना इंचार्ज श्री राजेंद्र सिंह डांगीनी द्वारा बताया गया कि फरियादी की बंदूक आदर्श आचार संहिता के चलते थाने में जमा थी, जिसको घटना के एक दिन पूर्व फरियादी थाने से लेकर गया था। परिजनों के अनुसार बताया गया कि बंदूक सफाई करते वक्त अचानक फायरिंग हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है, अभी जांच चल रही है। हाँ सर जी। सर, ये जो आज अभी दुर्घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना? अभी एक पेशेंट का फ़ोन आया था मेरे पास कि इमरजेंसी आई है, हॉस्पिटल आया तो हमने जब उसको देखा निकाल के, तो एक भाईजान को कुछ बता रहे थे कि कुछ गोली उनके हाथ से स्वयं से चल गई गलती से जी। तो उनको जो है प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको इंदौर के लिए रेफर किया गया है जी। बाकी उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और बाकी आगे की जो है आगे की ट्रीटमेंट के लिए उनको इंदौर रेफर किया गया। ये दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का नाम क्या बताया सर? फकीर मोहम्मद मंसूरी नाम है उनका और यहीं के निवासी हैं छापड़ा के। सर, ये जो आज दुर्घटना हुई है, इसके बारे में कुछ? जी, आज गोली चलने की। हाँ जी, हमें तो अस्पताल छापेड़ा से सूचना मिली थी कि एक मजरूह आया है जिसका नाम है फकीर मोहम्मद, पिता करीम मोहम्मद जी, निवासी छापेड़ा जी। उसको घर पे अपनी बंदूक की साफ सफाई कर रहा था तो कई धोखे से चल गई वो जी। उसको गोली लग गई है तो वहाँ पुलिस हमने भेजी अस्पताल, तो वहाँ से डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको इंदौर रेफर कर दिया है, तो वहाँ से वो चला गया है उपचार के लिए जी। यही सूचना प्राप्त हुई थी अभी तक तो जानकारी। उसके बयान होंगे, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कारण जी। अभी तो यही पता चला है कि सफाई करते समय धोखे से बंदूक चल गई और उसको लग गई जी। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।